ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। बुढ़िया अब तो तू गई काम से और पूरे घर का राज मेरी मुट्ठी में। अरे गुलाबो, मेरे गुड़ की डली, तू रो क्यों रही है? तुझे पता नहीं क्या, मैं तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता। क्या हुआ तुझे, मुझे बता। तू रोनी तो और क्या करूँ जी, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आज तो उसने दोबारा मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और उसने तो मुझे चप्पल उठा के भी मारी है आज। मगर गुलाबो, माँ ने ऐसा क्यों किया? देखो जी, आपको तो पता ही है ना कि मेरी हर रोज सुबह लेट उठने की आदत है। करीब सुबह 10 या 11 बजे उठती हूँ मैं सो के। ओके राइट, मगर माँ को इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम है जी, तुम्हारी माँ को ही प्रॉब्लम है। एक तो मैं रोज हर सुबह 10 या 11 बजे सो के उठती हूँ लेट, फिर उठती तुम्हारी माँ को चाय बना के दो, फिर उन्हें स्नान करवाओ, उसके बाद उन्हें उनकी दवाइयाँ खिलाओ और उसके बाद उन्हें मंदिर लेके जाओ। जी मुझसे भी रोज रोज का खिट खिट पिट पिट नहीं होता जी। अब तो या तो इस घर में मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी माँ, और फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अरे गुलाबो समझा कर, तू समझती क्यों नहीं? देख लोग क्या कहेंगे अगर हमने उस बुढ़िया को घर से निकाल दिया, तो पड़ी रहेगी वो किसी कोने में बुढ़िया कहीं की। तू टेंशन मत लिया कर। देख लोगों को अगर पता लगा ना कि बुढ़िया को बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया है, तो बेइज्जती खराब हो जाएगी गांव में। और वैसे भी समझा कर तू बात को, बुढ़िया तो वैसे भी 1-2 महीने की मेहमान है, चली जाएगी भगवान के पास 1-2 महीनों में। बस करो जी, अपनी ये नेक सलाह है ना, आप अपने पास ही रखो, समझे? मैं जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों को लेके मायके, और अब आप ना अपनी माँ के साथ इस घर में अकेले ही रहना आराम से, समझे? अरे मेरी पान की दुग्गी, तू तो नाराज हो गई। तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। फिर ये माँ, ये बुढ़िया क्या चीज है? इसे तो मैं घर से निकाल दूंगा फटाफट। पहले मैं एक पैग लगा लेता हूँ, तू मेरे लिए गिलास लेके आ। नहीं तू बैठी रह, तू बैठी रह, मैं खुद गिलास लेके आता हूँ। ओके अभी देख, मुझ में है ना बहुत ताकत आएगी। गुलाबो अब आ गई है मुझ में फुल पावर, हॉर्स पावर। अब तू इन दोनों चीजों को कहीं छुपा दे, इन दोनों को तो बाद में देखेंगे। ए जी एक काम और करो ना। बोलो जी क्या काम करना है? आप ना एक पैग और लगाओ, मैं अपने हाथों से आपको बना के देती हूँ। अरे वाओ, आज ये बादल बरस कैसे रहे हैं? हमेशा तो बिजलियां ही कड़कती थी, आज तू अपने हाथों से मुझे पैग बना के दे रही है, वाओ।
अब देख गुलाबो, तू 2 मिनट में मैं उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है जी, जल्दी करो। और अगर कोई हमसे पूछेगा ना, तो फिर हम कह देंगे कि बुढ़िया है वो चार धाम की यात्रा पे गई है। और 2 महीने बाद अगर कोई दोबारा पूछेगा तो कह देंगे कि चार धाम की यात्रा पे बीमार होके मर गई। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है गुलाबो तूने। अब इस नेक काम में मैं देरी नहीं करूंगा, जा रहा हूँ बुढ़िया को बाहर निकालने। बुढ़िया अब तो गई काम से, और पूरे घर का राज मेरी मुट्ठी में। प्रिय दर्शकों, माँ तो माँ ही होती है, माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, माँ की सेवा ही उत्तम सेवा है, इसलिए हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में